मेहनत करती हैं महिलाएं अपनी रोजी रोटी के लिए, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हल भी जोतती हैं अपने लिए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती जब हम कहते हैं कि इक्वालिटी और मेहनत महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं। लेकिन एक पुरुष बैठा हो ट्रैक्टर पे, वो भी एक लीडर बैठा हो और एक महिला उसको खींच रही हो, तो कहीं ना कहीं जेंडर डिग्निटी मुझे लगता है कम होती है, महिला की डिग्निटी कम होती है और ऊपर बैठने वाले की भी डिग्निटी कम होती है। एक पुरुष को जो ठीक ठाक है, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये भी मानती कि वो चल ना सकता हो पुरुष, तो महिला खींच सकती है उसको, लेकिन जो चल सकता है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए एक महिलाओं को के साथ ये कर रहे हैं कि वो खींच रही हैं और इतनी भारी उसमें मैंने भी वो वीडियो देखा है, वो बहुत मोटी रस्सी से ऐसे खींच रही हैं और बड़ी मुश्किल से, वो एक थोड़ा सा डिग्निटी मुझे लगता है कम कर रही हैं। और ये सोचना चाहिए था हुडा साहब को भी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर ऐसा है, महिलाओं को भी लगता है कि उनसे ज़बरदस्ती कराया गया है तो वो हम तक आ सकती हैं, लेकिन अगर खुद भी कर रही हैं तो भी बैठने वाले को, ऊपर बैठने वाले को ये सोचना चाहिए कि ऐसा महिलाओं से ना कराएं। खबरें बदलती हैं हर पल, मुद्दे नहीं करते इंतजार, खबरों की रफ्तार से मिलाने होंगे कदम। रहिए सजग, देखिए सत्य, सार्थक खबरें। जेएमडी न्यूज डिजिटल, हर पल जुड़िए हमारे साथ यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर।